जिमनी इंतखाबात शेर की धाड़। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। इत्तेहादी जमात इस्तेकामा पाकिस्तान पार्टी भी अपनी नशिस्त पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मतवालों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, मिठाई तकसीम, शेर शेर के नारे लगाए गए। कौमी असम्बली के हलके N119 में अली परवेज मलिक ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार अली परवेज मलिक 60,918 वोट लेकर कामयाब रहे। मद्दे मुकाबले सुनी इतिहाद काउंसिल के मियां फारूक शहजाद 34,196 वोट हासिल कर सके। पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों पर नून लीग कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपी 147 से लीगी उम्मीदवार मलिक रियास ने मोहम्मद खान मदनी को पछाड़ दिया। मलिक रियास ने 31,860 वोट हासिल किए। मोहम्मद खान मदनी 16,630 वोट हासिल कर सके। पीपी 158 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी नवाज 40,165 वोट लेकर कामयाब रहे। मद्दे मुकाबल सुनी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी मोनस इलाही को 28,018 वोट मिले। पीपी 164 से लीगी उम्मीदवार राशिद मिनहास भी 31,499 वोट लेकर जीत गए। सुनी इत्तेहाद काउंसिल के यूसुफ म्यू को 25,781 वोट मिले। पंजाब असम्बली के हलका 149 में आईपीपी के शुएब सदीकी ने भी फतह अपने नाम कर ली। आईपीपी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार ने 40,198 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबल सुनी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज जिशान 23,438 वोट हासिल कर सके। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की 4 नशस्तों पर इलेक्शन टर्नआउट कम रहा। धांधली के इल्जाम और जब्ते अखलाक की खिलाफवर्जियां। उम्मीदवार सुनी इत्तेहाद काउंसिल जिशान रशीद ने दावा किया कि हलका 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर धांधली हुई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को फॉर्म 45 पर पेश की दस्तखत करते रंगे हाथों पकड़ा। सुनी इत्तेहाद काउंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार और हाथापाई भी हुई। पोलिंग खत्म होते ही आर ऑफिस के गेट बंद। N119 पीपी 147 और पीपी 149 के आर ऑफिस के गेट बंद कर दिए गए। मीडिया के साथ साथ सुनी इत्तेहाद काउंसिल के पोलिंग एजेंट्स को भी अंदर जाने की इजाजत न मिली। हाई वोल्टेज सियासी मुकाबले, सियासी कारकुनों का पारा भी हाई। N119 के पोलिंग स्टेशन 171 में सुनी इत्तेहाद काउंसिल और आईपीपी के कारकुनों में लड़ाई, हाथापाई, झगड़ा कैंप लगाने पर हुआ। 4 कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। दूसरी जानी पीठे के रहनुमा शबीर गुज्जर वलेंशिया टाउन पोलिंग स्टेशन से गिरफ्तार हुए। पुलिस ने शबीर गुज्जर को हल्लोकी पोलिंग स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शबीर गुज्जर पीपी 164 से पीटीए के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। जिमनी इंतखाबात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। रेंजर्स और आर्मी के दस्ते भी हाई अलर्ट रहे। 17,000 पुलिस अफसरान और एहलकारों ने ड्यूटी के फराइज सरा अंजाम दिए। आईजी पंजाब का सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, तमाम हलकों में कानून की पासदारी यकीनी बनाएं। हवाई फायरिंग और असलह की नुमाइश पर फौरी एक्शन लें। शरपसंद अनासिर और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखें। नाकों पर चेकिंग मजीद सख्त कर दें। CCPO बिलाल सिद्दीक मियाना कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के जाब्ता इखलाक पर मिनो अमल दरामद करवाया। ज़िमनी इंतखाबात पर लाहौरन की बड़ी कवरेज। लाहौरन की टीम ने नाजरीन को लम्हा बलम्हा इलेक्शन की सूरतेहाल से बाखबर रखा। कहा कितना टर्न आउट और कहां क्या गहमा गहमी रही। लाहौरन की टीम ने कौमी और सूबाई हलकों से सबसे पहले मुस्तंद खबर की रवायत बरकरार रखी। ज़िमनी इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद मॉनिटरिंग के लिए महकमा दाखिला में कंट्रोल रूम भी फाल रहा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब
नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर सूबा भर में इलेक्शन की मॉनिटरिंग की गई। अमन अमान की सूरत हाल का भी पल पल जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मुस्लिम लीग नून का वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकला, चंद दिन में पंजाब को रिलीफ रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। रमजान निगहबान पैकेज, 20,000 बाइक्स, सस्ता आटा और सस्ती रोटी हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। मजदूर, किसान, तलबा और खवातीन हमारी तरजीह है। अवामी मसाइल के हल के लिए ईमानदारी से कोशा हैं। अवाम ने शेर पर मोहर लगाकर नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आला के मुआवने खसूसी ज़िशान मलिक कहते हैं पंजाब की अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार कर दिया। फसादी ग्रोह समझ ले, अवाम फलाही मंसूबे वाले लीडर को मानते हैं, 9 मई वालों को नहीं। नारोवाल में पीटीए कारकुनों के तशद्दुद से लीगी कारकुन की हलाकत, वज़ीरे इत्तला'आत असमा बुखारी कहती हैं पुलिस फौरी तौर पर नून लीग के कारकुन के कातिलों को गिरफ्तार किए। पीटीआई ने हस्बे रिवायत गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया। पोलिंग शुरू होने के चंद घंटे बाद ही फितना पार्टी ने रोना धोना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज दौरे चीन के लिए रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का यह दौरा निजी और जाती नोयत का है। नवाज शरीफ का चीन में 4 से 5 रोज क़याम मुतवक्के है। नवाज शरीफ के हमरा जाती दोस्त और खानदान के चंद अफराद होंगे। नवाज शरीफ अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से डिप्टी चेयरमैन सैनिक सईद आल खान नासिर की मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर पंजाब ने सईद आल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सैनिक का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पीसीबी इंटर क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगु में कहा एहसानुल्ला की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बोर्ड तश्कील दिया है, अगर किसी की कोई कोताही नजर आई तो एक्शन लेंगे। भारत के साथ सीरीज की ऑप्शन आई तो जरूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड टी20 सीरीज, आजम खान की इंजरी के बाद विकेटकीपर बैटर हसीबुल्ला को कौमी स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन पीसीबी से मुशावरत, आजम खान के मुतबादल खिलाड़ी के हवाले से बातचीत हुई। पाकिस्तान न्यूजीलैंड टी20 सीरीज लाहौर में मैचेस 25 और 27 अप्रैल को खेले जाएंगे। टिकटों की फरोख के लिए कजाफी स्टेडियम में बूथ कायम कर दिया गया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड टी20 सीरीज लाहौर में मैचेस 25 और 27 अप्रैल को खेले जाएंगे। टिकटों की फरोख्त के लिए कजाफी स्टेडियम में बूथ कायम कर दिया गया।